चरण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण रे पुण्य कथा शिया राम की। हे रामायण रे पुण्य कथा शिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण रे पुण्य कथा शिया राम की। सब चरित कहां में गाई आगिन कथा सुनहु बदलाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। हम कथा निदान पद मधम सागा माता निदा कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण गए पुण्य कथा शिया राम की। रामायण गए पुण्य कथा शिया पुण्य कथा शिया पुण्य कथा शिया राम की। गुरुदेव तुम तो जानती हो जब भी मैं अपने यज्ञ कार्य पूर्ण करने का प्रयास करता हूं तभी निशाचर आकर के हमारे उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जिस प्रकार से एक बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं भूल पाता उसी प्रकार से ये दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करूं यदि यह दुष्ट ये निशाचर हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं तो क्या यह विश्वामित्र यज्ञ करना बंद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये दुष्ट होकर के अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हम साधु होकर के अपनी साधुता को कैसे छोड़ दें? देख रहे हो तपप्री, आज आश्रम में बड़ी शांति है। आश्रम में ही नहीं अपितु इस वन में बड़ी ही शांति दिखाई पड़ रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इस वन में दूर दूर तक कोई निशाचर ना हो। फिर भी मेरी इच्छा तो यही है कि तुम आश्रम के चारों ओर जाकर के देखो कहीं कोई निशाचर तो नहीं है। यदि कोई निशाचर यहाँ पर भ्रमण नहीं कर रहा होगा तो आज हम वह अधूरे यज्ञ को इसी समय आज ही पूर्ण करेंगे। यदि कोई निशाचर होगा तो हम इस समय यज्ञ नहीं करेंगे। जाओ जाओ तुम शीघ्र ही आश्रम के चारों ओर देख करके आओ। जो क्या गुरुदेव जहां जप यज्ञ जोग मुनि करेगी अति मारीच सुबह हुई डरे। देखा आश्रम के चारों ओर? हाँ गुरुदेव। क्या हुआ? मैं आश्रम के चारों ओर जाकर के देखा तो देखा ही नहीं बल्कि ध्यान लगा करके अपने कानों से सुनना भी चाहा, लेकिन निशाचरों का ना तो कोई वहां नाम और ना ही कोई वहां आने की उनकी कोई सूचना। तो मैं चाहता हूं गुरुदेव यही समय है चल करके एक जो हमारा और आपका अधूरा है उसे पूर्ण करें। अवश्य तपप्री यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्रित की जाएं। हम इसी समय अपने उस अधूरे यज्ञ को पूर्ण करेंगे। आओ तेरे यज्ञ वेदी को प्रज्वलित किया जाए। ओम भूर्भुवस्व सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयः स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धावै करहि उपद्रव मुनि दुख पावै स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
अरे दुष्ट फिर से आ गया। ए टुकरा, अब तेरे को बना दूंगा पुकरा। हमारा सत्यानाश हो जाएगा। टुकरा पहले सफेद बाल थे, अब डाई करा के आ गया। अच्छा, और ये तुम्हारा चैला, ये चैला क्लीन सेव करके आ गया। आहा बाबा, आशीष विश्वे, आशीष विश्वे, अन्याय का दीपक जलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, न्याय का ही दीपक जलेगा। अच्छा तो बोलवाओ भला, कोई जय बोल दे। सब कोई जय बोलेगा। बुलवाओ, मैं देखा तुम। तुम बुलवाओ, तुम क्या बुलवाना चाहते हो? तुम धर्म की जय बुलवाना चाहते हो तो बुलवा वाला, मैं देखो। सब कोई बोलेगा। जो कोई बोलेगा उसकी मुंडी काट के चिकन मुंडी कट डाल। यहाँ तुमसे कोई भी डरने वाला नहीं है। बुलवा वाला, बोलो धर्म की। ये देखो अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, अरे तुम्हारे जैसे निशाचर मारे जाएंगे। देखा? वैसे कोई नहीं बोला। अच्छा, अभी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं बोला। अब देखना कितना बोलेंगे। सब लोग जोर से बोलना भला। नहीं, जो कोई टोपी लगा है सबके निकाल के फेंक दूंगा। क्या बुलवाओगे तुम? सब लोग बोलना अधर्म की। बहुत जोर बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत जोर। अरे ये जितने भी है ना, ये सब राक्षस आ बैठी है। धीरे बोलो। नहीं, अब ज्यादा जोर से बोलना नहीं, धीरे बोलना है। ये टुकड़ा करना सुनाई दे, खाली मुझको सुनाई दे। अधर्म की नाश हो, जय हो। नाश होगा धर्म का, जय हो। धर्म का बुढ़ा ना बोल, नहीं मैं तो दाढ़ी जटा सब उखाड़ रही हूं। अधर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश। अरे नहीं, प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो सत्य भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो, विश्व का कल्याण हो। अच्छा मतलब ये इसको भी जुकाम हो गया। मतलब हम यज्ञ करते हैं, तुम्हें आपत्ति कौन है हमारे यज्ञों से? जो आकर के हमारे इस यज्ञ को विध्वंस करते हो। मिस्कुरियों को जुकाम हो गया। अब मैं देख रहा हूँ, अधर्म की जय हो बोलने का है सबको। आशीष विश्व, अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है किसके पासे में पाव पारा पड़ेगा। धर्म के पाले में पड़ेगा। डोकरा जानी, हम वो चीज है कि ना ये गोलियों की बौछार से, ना ये परिवार दिगार से ये बंदा लड़ता है, तो मात्र लुगाई की मार से। यही लायक हो। अब आवा सोहा सोहा बंद कर दे, ना हक में शोर मचाते हो। अघी मेहमानों को नहीं मिलता, तुम से आग में जलाते हो। खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। काका मुझको मच्छर, मच्छर जानते नहीं हो क्या जो खून पी जाओगे? साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। चद्दर की लंगोटी सोने का पिकदान फिर भी मेरा देश महान, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गिरो गिरो गिरो, इस तरह गिरो जैसे पानी झरने का गिरता है। लेकिन इतना समय है किसके पास डुकरा? बाबा अब सोहा सोहा बंद कर दे, नाहक में शोर मचाते हो। अभी मेहमानों को नहीं मिलता, अतुम में से आग में जलाते हो। अब खून पी जाऊंगा, घर न मिला मुझे घी खाने को। बाबा बोला हम भी बोले, हम भी बोले। ले
तेरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, अब क्या करोगे? अरे दुष्ट कहेंगे जिस तरह से आज तो मैंने हमारी यज्ञ को विध्वंस किया है, एक समय ऐसा भी आएगा तुम भी इसी यज्ञ की तरह विध्वंस हो जाओगे। ए चुप जा टुकड़ा, आज कहा उपदेश न दे, अभी भी समय है सत्य के मार्ग पर आ जाओ, ये अधर्म का मार्ग छोड़ दो। अधर्म के मार्ग में चलेंगे, दारू पिएंगे, गोश्त खाएंगे, तेरे को भी काट के खा जाऊंगा। इतना साहस नहीं है कि तुम हमें छू सको। तो रुक जा, अभी तुम्हारे चेला को बगदाऊंगा, फिर तुमको बगदाऊंगा, क्योंकि तेरे बाल बहुत बड़े बड़े हैं तो उसको भूंज के खाना पड़ेगा, इसको तो चट्ट कर जाऊंगा। तपकरी सावधान रहना, इससे बच कर के रहना तपकरी, अब मारूंगा। चिंता व्यापी हरि बिन मरई न निश्चर पापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन निशाचरों का अंत नहीं होना है, हे विधाता देख रहे हो ना। आज हम सभी साधु संत क्या स्वतंत्र होकर के आपकी अर्चना उपासना वंदना यज्ञ हवन कार्य नहीं कर सकते हैं? देखो ना, अरे जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो ये निशाचर आकर के हमारे यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं। इन असुरों का अत्याचार तो चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप ही का तो कहना है जब जब होई अधर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब आप इस संसार में विविध भात रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो क्या इन असुरों का अत्याचार, इन असुरों का अत्याचार में चरम सीमा पर नहीं पहुंचा? अरे मैंने तो यहां तक कि यह देखा है आज देव प्रतिभाओं में वो निशंक हथौड़े चलते हैं, आज ये सब धर्म ग्रंथ ईंधन की भांति चलते हैं, आज उन पूज्य विद्वानों के वो मस्तक ठुकराए जाते हैं, अरे आज पाठशालाओं में मधुमांस पकाए जाते हैं। क्या यह पाप काफी नहीं है आपके अवतार धारण करने के लिए? दीन बंधु दीनानाथ, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, क्या अभी भी आप शयन कर रहे हैं? यदि आप शयन कर रहे हैं तो यह समय शयन करने का नहीं है, प्रे हो क्षीर सागर में। अरे किस अनोखी नाश से क्या हृदय आपका दुखता नहीं हम तीन की आवाज से, जो नाए ना तो आज अनिर्बल पुकारे जाओगे, अरे फिर ना इस जग में वो दीनानाथ कहोगे, दीनानाथ कहोगे। अभी भी आप क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं मेरे महाप्रभु, अरे जागो, अरे जागो, नेत्र खोल करके तो देखो इस संसार में अत्याचार अत्याचार बढ़ गया है। आज हम सभी संतों को गौओं को सताया जा रहा है,
हे मेरे महाप्रभु, आज ये क्या कर रहा हूं? आज मैं चिंतन कर, विश्वामित्र चिंता में लिप्त हो गया। नहीं नहीं, अरे संत के जीवन में यदि चिंता व्याप्त हो जाएगी तो ऐसा कैसे होगा? संत को चिंता नहीं अपितु चिंतन करना चाहिए। मैंने तो चिंतन ही नहीं किया। हाँ हाँ, मुझे चिंतन करके देखना चाहिए, क्या भगवान नारायण क्या अभी भी क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे विचार कर कर देखना चाहिए, अवश्य विचार करना चाहिए। ओ तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अब तनेव हरन मही भारा। अरे तब प्रिय गुरुदेव, मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। भगवान नारायण ने तो अंशों के सहित इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर लिया है। जय हो। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के गृह में परमात्मा का तो अवतार हो चुका है। मेरे लिए विचार कर रहा हूं, क्या मैं अयोध्या जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अयोध्या अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि अयोध्या जाने का तो मुझे एक बहाना भी मिल गया है। और वह बहाना कैसा है? एहुमिस देखो पद जाई करी बिनती आनो दो भाई। बहाना मेरे लिए बड़ा उत्तम है यज्ञ का, यज्ञ रक्षा है, तू बहाना लेकर के अयोध्या जाऊंगा और उनकी चरण कमलों के दर्शन करूंगा। जानते हो वो पुत्र कैसे हैं? कैसे है? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, देखब भरी नैना। वो ज्ञान वैराग सकल गुणों के निधान, ऐसे प्रभु के दर्शन करूंगा और राजा दशरथ से विनती करके उन्हें अपने साथ में ले आऊंगा। तब प्रिय दुर्देव, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक आदेश है। कौन? जब तक मैं आश्रम में ना जाऊं तब तक आश्रम के पट बंद करके रखना, पूजा करना तो मन में ही करना, शंख घड़ियाल का प्रयोग मत करना। मैं शीघ्र ही प्रभु को लेकर के आश्रम में आऊंगा, सबको दर्शन कराऊंगा, जन कल्याण कराऊंगा। मैं इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जो आज्ञा करते हो। बहुविधि करति मनोरथ जाति लाग नहीं बार, करी मज्जन तरिजू जल गए भूप दरवार, गए भूप दरबार। ये क्या, मैं अयोध्या के प्रथम दरबार पर आ गया। मैंने तो सुना था कि अयोध्या के दरबार में सेवक मिला करते हैं, दास मिला करते हैं, तो क्या आज यह दरबार सुना है? क्या